खुशी जमील यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसियों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है 2023 का। तो इसमें टोटल वैकेंसियां जो है 40,889 वैकेंसियां हैं। तो वैकेंसियों की टोटल जानकारी यहां पे दी जाएगी, कैसे आप सिलेक्शन ले पाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कितनी उम्र मांगी गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन डेट पे। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो दी गई है वो 27/1/2023 से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। इसके अलावा आपको लास्ट डेट की बात करें तो आप 16 फरवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप लास्ट डेट का इंतजार करेंगे तो सरकारी साइटें ज्यादातर एक दो दिन पहले से काम करना बंद कर देती, तो आप 16 तारीख से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, इसमें जो फीस की जो डेट है वो भी 16 फरवरी ही रखी गई है, अलग से कोई फीस की डेट नहीं दी गई है। आपको उसी टाइम, मतलब जो भी डेट है उस तक फीस कटवा देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं, करेक्शन डेट भी रखी गई है यहाँ पे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी डेट, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि पिताजी का या आपका या माताजी का नाम गड़बड़ हो जाता है या फिर कोई और दिक्कत आती है, तो उसको आप करेक्शन कर पाएंगे 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में आप करेक्शन कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, फीस की बात करते हैं तो इसमें जो फीस रखी गई है, मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है, वो भी जनरल और ओबीसी वालों के लिए। और अगर आप एससी एसटी में आते तो और फीमेल हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन और आवेदन करना है, बस आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी बहुत सही दी गई है इस बार। मिनिमम जो एज रखी गई वो 18 साल रखी गई और मैक्सिमम जो रखी गई 40 साल, यानी कि 40 साल तक के व्यक्ति जो है वो भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एज पर द जीडीएस पोस्ट रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग रूल जो है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। तो आप 40 से ज्यादा के भी हैं तब भी आप भर पाएंगे, वो आप अपनी जो क्राइटेरिया वो चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, इसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें मात्र 10वीं पास, यानी जिन लोगों ने 10वीं पास कर ली है उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। इस बार मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों के हाई स्कूल में नंबर अच्छे आए हैं, और उन लोगों के लिए माफी चाहूंगा जिन लोगों के नंबर अच्छे नहीं आए, वो पढ़ने में चाहे भले वो अच्छे हों, बट अगर आपके हाई स्कूल में नंबर अच्छे नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन उसी बेस पे होगा जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट बोलती है। मार्कशीट में नंबर अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है इस बार। और आपको बता दूं, अगर आप यूपी से हैं तो इस बार तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसमें क्या मांगा गया, कुछ भी नहीं मांगा, हाई स्कूल मांगा गया मात्र। और मैं जहां तक जानता हूं कि हाई स्कूल में हिंदी और मैथ और इंग्लिश कंपलसरी होता है यूपी बोर्ड में। अगर आप ज्यादातर बोर्ड्स में, आपको बता दूं, मैथ और इंग्लिश तो होता ही है। अगर आपके बोर्ड में, अगर आपने जिस भी बोर्ड से किया है उसमें मैथ और इंग्लिश नहीं है तो माफी चाहूंगा, आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास मैथ और इंग्लिश हाई स्कूल में होना जरूरी है, और जहां तक मुझे पता है सभी बोर्डों में होता है, अगर किसी बोर्ड में नहीं है तो उसके लिए नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज आपको बता दूं, इसके लिए लोकल लैंग्वेज, अगर आपको, आप जिस एरिया में रहते हैं यूपी या जो भी स्टेट में आप रहते हैं, तो उस स्टेट की जो मातृभाषा, यानी कि जो भाषा है, जैसे कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की हिंदी है, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि कोई भी एग्जाम नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है और बस भूल जाना है, बस आपको ध्यान रखना है। तो बस मेरिट लिस्ट का, कि कितनी मेरिट लगेगी, मेरिट आपको बता दूं काफी मेरिट लगेगी, तो आप उसका इंतजार कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन पक्का है। और वहीं हम अगर वैकेंसियां स्टेट वाइज चेक करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूपी में इस बार जो वैकेंसियां दी गई, सबसे ज्यादा वैकेंसियां दी गई हैं। तो आपको बता दूं, यूपी में इस बार जो वैकेंसियां दी गई हैं वो 7,987 वैकेंसियां दी गई हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। और उत्तराखंड में वैकेंसियों का थोड़ा कम दिया गया है, उत्तराखंड में आपको वैकेंसियां जो दी गई 887 वैकेंसियां दी गई, यहाँ पे जो लैंग्वेज है हिंदी ही है। इसके अलावा बंगाली में बात करें तो बंगाली में 1461 दी गई है, इसमें यहाँ भी लैंग्वेज हिंदी ही दी गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 1593 दी गई, यहाँ भी लैंग्वेज हिंदी है। और अगर आप दिल्ली की बात करें, सबसे कम जो वैकेंसियां मैंने यहाँ पे देखी हैं इस बार जो है वो सबसे कम दिल्ली में है, दिल्ली में 46 वैकेंसियां हैं और यहाँ भी लैंग्वेज हिंदी ही है। इसके अलावा आप हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे भी कोई खास नहीं है, 354 वैकेंसियां दी गई हैं। और अगर आप राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसियां दी गई 1684 वैकेंसियां दी गई, और हिमाचल प्रदेश में भी
605 वैकेंसियां दी गई। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में आपको जो है भाषा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हिंदी और उर्दू आनी चाहिए। और यहाँ पे टोटल वैकेंसियां जो दी गई हैं 300 वैकेंसियां दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो 1590 वैकेंसियां यहाँ पे दी गई हैं और यहाँ भी लैंग्वेज हिंदी ही मानी गई है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 1841 वैकेंसियों का अनाउंसमेंट किया गया, यहाँ भी लैंग्वेज हिंदी ही दी गई है। इसके अलावा आपको केरला, अगर आप केरला से हैं तो आपको मलयालम आनी चाहिए और 2462 वे टोटल वैकेंसियां हैं। इसके अलावा आप पंजाब से हैं तो पंजाब में आपको हिंदी इंग्लिश पंजाबी आनी चाहिए तो 766 वैकेंसियां दी गई हैं। और अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको कनकोई और मराठी आनी चाहिए और 2508 वैकेंसियां यहाँ पे टोटल दी गई हैं। और इसके अलावा हम आपको उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और साथ ही आपको 1382 वैकेंसियां टोटल दी गई हैं। और साथ ही तमिल की बात करें तो तमिल में आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए और 6167 वैकेंसियां दी गई हैं। और इसके अलावा गुजराती में बात करें तो गुजरात में आपको गुजराती आनी चाहिए और टोटल वैकेंसियां आपको 2017 दी गई हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके पास बंगाली मराठी नेपाली और हिंदी आनी चाहिए और 2127 टोटल वैकेंसियां दी गई हैं। और आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए और यहाँ पे 2480 वैकेंसियां हैं। और बहुत सारी स्टेट हैं जो मिस रह गई, यहाँ पे नहीं आ पाई, उसके लिए माफी चाहूंगा। आप स्टेट अपने चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और इस बार रजिस्ट्रेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस रोज लेके आते हैं, तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।